हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब आज बात करेंगे 2023 की इंडियन सिनेमा की टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर मूवीज कौन कौन सी हैं और इन्हें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, इनका कंटेंट किस लेवल का एंटरटेनमेंट फॉलो करता है, उसके बाद नेट इंडिया से यानी अपने भारत देश से कितनी कमाई करी है, ब्लॉक ओवरसीज यानी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है, सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं भाई। भाई साहब शाहरुख खान की जवान नंबर वन पर आती है। जीरो के बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप होने के बाद शाहरुख खान ने 4 साल के बाद एंट्री ली और 2023 में बैक टू बैक एक नहीं दो नहीं पूरी 3 मूवीज के साथ सॉलिड कमबैक लिया है और ब्लॉकबस्टर हिट कमाई करके गई, जिसमें जवान नंबर वन पर है, SR के मेन लीड पर है। मूवी का कॉन्टेंट थीम है करप्शन, एक्शन, क्राइम, थ्रिलर मूवी, स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर सोसाइटी अबाउट द करप्शन, अबाउट द पॉलिटिकल डर्टी गेम, बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया। पर्सनली रिकमेंड करूंगा, नहीं देखिए तो जरूर देखना क्योंकि मूवी ऑसम है। बजट 300 करोड़ है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1150 करोड़, डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 640 करोड़, 80 लाख के आसपास। सेकेंड नंबर पर अगेन शाहरुख खान पठान मूवी के साथ स्टार्टिंग करी थी 2023 की और 1000 करोड़ बॉलीवुड की मूवीज ने बहुत ही कम समय में ठोंक के गई है पठान के साथ, जो हिस्ट्री क्रिएट करी है। स्पाई यूनिवर्स का तड़का है, एक्शन क्राइम थ्रिलर इसमें भी मिलेगा, लिटिल बिट पैट्रियोटिज्म, लव रोमांस का तड़का और हल्का फुल्का सस्पेंस की लास्ट में आखिर होने क्या वाला है। बाकी मूवी दमदार है, बजट 250 करोड़ है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1050 करोड़, 80 लाख है, डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 543 करोड़ के आसपास इस मूवी ने अपने खाते में रखा है। तीसरे नंबर पर अगेन बॉलीवुड की एंट्री एनिमल। भाई रणबीर कपूर का ऐसा धांसू परफॉर्मेंस, ऐसी सॉलिड कमबैक, मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी ने इतनी मासी मूवीज बनाई है। भाई फुल वायलेंस मूवी है, फैमिली ड्रामा का तड़का देखने को मिलेगा, ब्रूटल एक्शन थ्रिलर मिलेगा, फुल वायलेंट है, रियलिटी ऑफ फैमिली ड्रामा, आखिर चलता क्या है फैमिली, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, भाई फैमिली में घुसा के दिखाया है, टिपिकल फादर सन लव बॉन्ड दिखा रखा है जो बहुत हद तक हाई कंट्रोवर्सी में रहता है। पर्सनली रिकमेंड करूंगा, नहीं देखिए तो जरूर देखना क्योंकि ऐसा सिनेमा भाई बार बार नहीं आता, सदियों में आता है। और यस एनिमल वो था, ए रेटिंग एडल्ट प्लस 18 प्लस की रेटिंग थी, बावजूद उसके फाड़ की कमाई करके गई और लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, साथ ही साथ जब से रिलीज हुई उसके बाद ये हाई कंट्रोवर्सी में भी रही है। बजट 150 करोड़ है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 901 करोड़, डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 550 करोड़ का इस मूवी के खाते में आया है। चौथे नंबर पर अगेन गदर 2, मेन लीड पर सनी देओल, फन फैमिली लव ड्रामा तड़का है, एक्शन पैट्रियोटिज्म एडवेंचर ड्रामा मूवी यही मिलेगा। बजट है 85 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 687 करोड़, डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 525 करोड़। नहीं भी देखी है और टाइम नहीं भी है तो नहीं भी देखोगे तो जी जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हाई कुछ भी नहीं। पांचवें नंबर पर सलार आती है भाई साहब, पांचवें नंबर पर मतलब साला बॉलीवुड साउथ मूवीज का डंका जो पिछले 3-4 से जबरदस्त बज रहा था, लेकिन 2023 में टॉप 4 पर सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज रही हैं। पांचवें नंबर से साउथ इंडस्ट्री की लाइनअप शुरू हुई है। मेन लीड पर प्रभास है, फुल वायलेंस एक्शन ड्रामा, फिक्शनल मसाला एक्शन एंड खानसार वायलेंस, मतलब इमेजिनरी यूनिवर्स था जो खानसार था, जहां पर क्या होता है वायलेंट होता है, वायलेंस होता है और वायलेंट के दम पर ही वहां सत्ता अपने हाथ में रखी जाती है। इफ यू आर वायलेंट यू आर पावरफुल एंड यू हैव दैट थ्रोन और रेन, भाई जबरदस्त है। फ्रेंडशिप का लव बॉन्ड बहुत ही दमदार है, प्रभास मतलब देवरथा जो अपने दोस्ती के लिए भाई पूरे खानसार को लाल कर देता है, बड़े से बड़े दिग्गजों को अकेले ही मारे जा रहा है, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। एक्शन से बहुत प्यार है, एक्शन मूवीज बड़ी मस्त लगती है तो भाई जरूर देखना क्योंकि मूवी दमदार है। बजट 300 करोड़ है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 623 करोड़, डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 406 करोड़, 45 लाख। छठे नंबर पर आती है लियो मूवी, मेन लीड पर थालापति विजय देखने को मिलेंगे, गैंगस्टर क्राइम ड्रामा मूवी है, फैमिली प्रोटेक्टर, वन मैन आर्मी, फाड़ू एक्शन और ढेर सारा सस्पेंस, भाई कंटेंट स्टोरी ड्रिवन मूवी है, दमदार है, नहीं देखी है तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा जरूर देखना क्योंकि मजा आ जाएगा। भले लेंथी है लेकिन बहुत ही कैची एंड हाई कनेक्टिविटी क्रिएटिंग मूवी है। बजट 225 करोड़, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 618 करोड़, इंडियन डोमेस्टिक नेट इंडियन कलेक्शन 341 करोड़। बात करें सातवें नंबर पर आती है जेलर मूवी, भाई मेन लीड पर मेगा स्टार रजनीकांत, फैमिली प्रोटेक्टर है, फुल वायलेंट है, एक्शन क्राइम ड्रामा थ्रिलर है, ऑल्सो टिपिकल फादर सन लव बॉन्ड है, स्टार्टिंग में बड़ा प्यार देखने को मिलेगा लेकिन लास्ट में जो होगा आपके होश उड़ जाएंगे कि भाई साहब ऐसा
क्योंकि क्लू नहीं निकलता है, बहुत सस्पेंस है, दमदार है। बजट 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 605 करोड़ डोमेस्टिक, 99 कलेक्शन 348 करोड़ में ये मूवी एग्जिस्ट करती है। आठवें नंबर पर टाइगर थ्री, जिससे उम्मीद थी कि भाई 2000 करोड़ ठोक के मारे, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स में वाई रफ ने पठान को नंबर वन पे भेजा, यानी साल की शुरुआत में। वहां से ये अज्यूम कर रहे थे, अजम्पशन सेट कर रहे थे कि टाइगर थ्री भी ठोक के जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। मेन लीड पर सलमान खान, स्पाई यूनिवर्स का तड़का, एक्शन क्राइम ड्रामा, लव तड़का भी देखने को मिलेगा, लिटिल बिट पैट्रियटिज्म एंड फुल टाइम पाकिस्तान का दामाद, जो ये सड़ा सा कॉन्सेप्ट किसी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं भी आया। अगर नहीं भी देखी है तो फिर भी जी जाओगे, जरूरी नहीं है। बजट 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 466 करोड़ और डोमेस्टिक 99 कलेक्शन 284 करोड़। नवे नंबर पर आती है डंकी, शाहरुख खान अगेन भाई टॉप 10 पे आ गए तीनों मूवी के साथ। मेन लीड पर एसआर के, कॉमेडी ड्रामा, स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज ड्रिवन मूवी है, शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव बाय द फैमिली एज वेल एज फ्रेंड्स, बहुत ही दमदार है, आपकी आंखें भी गीली होंगी, बहुत जगह कॉमेडी फन ड्रामा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इतनी सारी एक्शन मूवीज देखने के बाद डंकी को भी रिकमेंड कर ही लेना, क्योंकि कॉमेडी थोड़ा सा माइंड स्प्लिट ऑफ माइंड है ना, तो देखते रहना। बजट 150 करोड़ है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 458 करोड़ डोमेस्टिक, 99 कलेक्शन 228 करोड़। दसवें नंबर पर है भाई साहब आदि पुरुष, जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये आ जाएगी। मेन हिट पर प्रभास, क्योंकि डिसास्टर ऑफ द ईयर मूवी थी, इसके बारे में क्या ही बताऊं, डिसास्टर है। पर्सनली रिकमेंड करूंगा मत देखना, वरना बहुत पछताओगे भाई। मैंने तो हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि मैं से 10 मिनट भी नहीं संभाली गई थी ये मूवी, उसके बाद बस काम था तो देख लिया, लेकिन मजा नहीं आया। फ्लेक्सिबल है, बजट बहुत फ्लेक्सिबल है इसका, स्टार्टिंग 600 करोड़ से करी, देन 550 करोड़, 500 करोड़, 450 करोड़, और अब 400 करोड़ में इन्होंने अपना बजट फाइनली डन कर दिया है, जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 395 करोड़, अगर ये कलेक्शन 200 करोड़ के आसपास होता तो ये जो बजट 400 करोड़ देखने को मिल रहा है वो भी 200 करोड़ में लाके ये लोग पटक देते। तो ये थी सारी मूवीज भाई टॉप 9, टॉप 10 में आदि पुरुष काउंट नहीं करेंगे भाई। टॉप 9 में से अगर कौन सी मूवी आपने देख ली है तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करके जाना। बाकी इनमें से कौन सी मूवी नहीं देखी और किसके लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए भी आप नीचे कमेंट बॉक्स से जरूर बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, जय हिंद।